वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखिए, आप इसको जानते होंगे, ये मुर्गी के पर हैं। आपको पता है कोई भी मुर्गी का कोई भी पार्ट जो है वो नहीं छोड़ते। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इनको मैं टिक्का के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। इनका हम टिक्का बनाएंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और ये रमज़ान में इफ्तारी टाइम खाएं, ओहो बहुत मज़े का टेस्ट आता है इनमें। मैं कुछ इसको मैंने अच्छे से, ये देखे, वॉश कर लिए। इसमें जितने भी पर थे वो जो छोटे छोटे से थे वो मैंने सारे अच्छे से निकाल लिए हैं। अब हम इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। मेरे पास थोड़ा सा लहसुन है, एक स्पून मैं इसमें लहसुन का ऐड करूँगी। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये मेरे पास नमक है, हाफ स्पून मैं नमक का ऐड करूँगी। ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, हाफ से भी कम मैं डाल रही हूँ इसमें। और ये मेरे पास चाट मसाला है, ये देखें, ये मैंने साशे वाला लिया है, इसको मैं ऐड करूँगी। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप टिक्का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। ये देखें, बहुत ही प्यारी और मज़े की खुशबू आ रही है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये काम हम रोज़े में रख के करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जिसका रोज़ा ना हो वो रोज़ेदार वालों के लिए ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मुझे देखें मसाला कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा टिक्का मसाला भी ऐड करूँगी। ये देखें, ये टिक्का मसाला है। और ये दोनों मैंने साशे में ही लिए हैं, हसबे ज़रूरत इसमें डालूँगी, जितना आपको लगे कि ये इतना ठीक है। देखिए, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि टेस्ट बिल्कुल हमारे खाने जैसा ही आए। हमने घर में ही एक वो जो जिसको बोलते हैं ना तांबिया, वो लेके उसमें हमने कोले बनाए हैं और घर में ही हम इसको बना रहे हैं। आप भी ऐसे ही घर में बनाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैं मैरिनेट कर चुकी हूँ, अच्छे से इनको मिक्स कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी। जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने इसमें डाले थे वही, ये देखें, ये कलेजी में भी मैंने वही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसके भी हम बारबेक्यू करेंगे। इसमें भी मैंने हसबे ज़रूरत वही मसाले डाले हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मसाले डाल सकते हैं, ठीक है। वही मसाले हैं जो मैंने इनके अंदर परों के अंदर डाले हैं। अब हम इनको 20 से 25 मिनट तक रखेंगे, ठीक है, फिर हम इनके बारबेक्यू लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये कोले जो हैं हमारे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। बहुत मज़े का सेक आ रहा है, वाओ। ये देखें, ये मैंने कलेजियों के लिए एक जो है वो सीक तैयार की है। इसको मैं लाइट लाइट सा जो है वो ऑयल लगाऊंगी। वैसे तो स्पंज होता है लेकिन मैं स्पून के साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो वो है नहीं और दूसरा हम कौन सा रोज़ रोज़ बनाते हैं, हम तो जस्ट इंजॉयमेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, बस ये ऐसे ही हमारे होते रहेंगे। ये देखें, ये मैंने एक परों की सीख बनाई है, इस पर भी मैं लाइट लाइट सा ऑयल ऐड करूँगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, कोलों को हम हल्का सा साइड पे करेंगे ताकि जो भाप है वो हर जगह जाए। ये हमने बने बनाए कोले जो हैं वो मंगवाए हैं। वाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं साथ साथ हवा भी दे रही हूँ ताकि कोले जो हैं वो बुझ ना जाए। बहुत मज़े का खुशबू आ रही है। घर में ज़रूर बनाइएगा, इंजॉयमेंट के लिए तो बहुत ही मज़ा, फैमिली के साथ बैठ के ज़रूर बनाइएगा। अच्छा,
ये देखिए दोस्तों, मैंने मुकम्मल तौर पे दोनों ये दो मैंने जो है वो परों की सीखें लगाई हैं और दो मैंने कलेजी की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे। ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। सो यम्मी, थैंक यू। ये देखें बहुत अच्छा जो है वो, ये हम बने बनाए कोले जो है वो ज़्यादा मतलब सही रह जाते हैं। वैसे तो घर वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हमें ये इजी लगे, हम लोगों ने कर ली है और इन्जॉयमेंट एक अलग से। मौसम भी बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, ये हमारी सीख तैयार हो चुकी है। ये मैंने पहले सबसे पहले डाली थी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। गुड। बाकी जो है वो अभी हम उतारते हैं। ये देखिए वाओ, बहुत मजे का लग रहा है। इट्स यम्मी, वेरी टेस्टी। आप घर में जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये भी बनेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। जिस जिसने खानी है आ जाए। वाह, बहुत मज़े का टेस्ट और खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों ने भी खानी है तो कम यार। ओके, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये थोड़ी सी कलेजी है वो बन रही है। ये देखेंगे पर भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत ही मज़े का टेस्ट और बहुत स्पाइसी बने हैं। ये देखें बहुत ही मज़े के और बहुत ही स्पाइसी बने हैं। कलेजी मेरे बच्चे साथ साथ खाते रहे थे, इसलिए वो कम है, इसलिए ये पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप घर में ज़रूर वीडियो को बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर हम आपके पास आते रहें। ओके बाय, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा।